समय कभी रुकता नहीं, समय शांत होती है, फिर रात्रि होती है और सुबह होती ही। हमें ऐसा लगता है कि वक्त कहीं रुक जाए, हमारी जिंदगी में इतनी कुछ है, ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक वैसे ही कभी कहते हैं कि जो आज जिस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के आलिंगन में जो रहते हैं, एक दूसरे के प्रगाढ़ मिलन में, विदा मिलन में, जिस प्रकार से बताया उसके उदाहरण आपको देती हूँ। दिरह आहास आश्रमय आनंद, चिर हास्य भी रहता है, सुख होता है, तो अश्रुमय दुख में पीड़ा में आंसू बहाते हैं और आनंद, वो दोनों साथ में रहे। रे माई समानव जीवन कम, यही इस मानव जीवन की सार्थकता है, सिद्धि है। देखो एक बार मुझे बता दो, कभी क्या कहना चाहते हैं, मैं कभी चाहता नहीं हूँ कि लगातार मेरे जीवन में सुखी सुख रहे, लगातार मेरे जीवन में दुखी दुख रहे। मेरे जीवन में दोनों की आँख मिचौली लगातार चलनी चाहिए, दोनों थोड़े समय के लिए सुख आना चाहिए, थोड़े समय के लिए दुख आना चाहिए, और सुख दुख के इस मधुर मिलन में ये जीवन मेरा पूर्ण हो जाना चाहिए। इस प्रकार जैसे बादलों के बीच अचानक कभी बादलों की मौसम जो आता है बारिश का, तब घनघोर बादलों के बीच में चंद्र को छुपे रहना पड़ता है, और वही स्थिति दूसरी मौसम में बादल पीछे से बढ़ जाते हैं और चंद्र को अपना आधिपत्य लाने देते हैं। ठीक वैसे ही सुख और दुख होना चाहिए। पूरा जब मनुष्य जगत में अत्यंत सुख मिलता है तो भी पीड़ित होता है, अत्यंत दुख मिलता है तो भी पीड़ित होता है। मनुष्य के इस जीवन में दोनों का बराबर का हिस्सा हो जाए और उसका जीवन उसी में बढ़ जाए तो ही उसके जीवन की सफलता होती है। अविरत सुख दुख से मनुष्य थक जाता है, जिस प्रकार दिवस के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद फिर दिवस होता है, मनुष्य रात्रि के समय में आराम करके सुबह में उत्साह के साथ काम करता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में इस प्रकार थोड़े थोड़े समय पर सुख और दुख अविरत होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उसी में सोता जागता रहता, उसी में खुश रहता है। जिस प्रकार रात्रि में सोता है सुबह में जागता, ठीक वैसे ही दुख और सुख में भी ऐसे ही रहे। अंत में जो कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे उषा और संध्या का लगातार मिलन होता है, दोनों आलिंगन में रहते हैं यानी कि एक दूसरे अलग होते हैं मिलते हैं, इसी प्रकार का मधुर मिलन हो तो ही मनुष्य का जीवन सुखी है। अंत में कहते हैं कि ऐसे लंबे समय का न सुख न दुख, कुछ समय का दुख सुख के मधुर मिलन में रे मनुष्य जीवन तुम्हारे जीवन की सफलता है। मित्रों उसमें आपको एक प्रश्न पूछा भी जाए कि सुख दुख कविता का भावन होता है, ये भी आ गया सुख दुख कविता का कह दिए भावन लिखिए, या फिर उसकी जो कहते हैं कि केंद्रीय तत्व पर प्रकाश डाले तो भी एक प्रश्न की जो कविता की मैंने व्याख्या समझाई उसमें मित्रों आ ही जाता है, क्योंकि उसके साथ ही आपका जो कोर्स मुझे करना है तो प्रश्न की व्याख्या भी उसमें हो गई, तो आपको बता दें पूछा जाए कि सुख दुख कविता की जो दो प्रकार से जो भी प्रश्न पूछा जाए कि सुख दुख कविता का बाबा ठीक किया था, सुख दुख कविता के केंद्र विचार ये दोनों में मैंने बाबा समझाया, वही आएगा कि आपको बता दो कि जिस प्रकार इसका उदाहरण आपको कृष्ण कोटि का बता दो कि जो बता दो कि जिस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध को के पिताश्री को जो तपस्वी ने बताया था कि आपका एक बेटा या तो महान चक्रवर्ती राजा होगा या पिता को अपना एकमात्र पुत्र सन्यासी हो वर्गीज पसंद नहीं आया। एक कविता के संदर्भ में ही आपको बता दूं सुख दुख क्यों जरूरी है जीवन में, कि ऐसा होगा तो उन्होंने कहा क्योंकि जीवन के जो वैराग्य पीड़ाएं देखेगा उससे वो उठ जाएगा। तो राजा ने अपने महल में इस प्रकार की व्यवस्था की उच्च कोटि की, कभी जिंदगी में दुख को उसको दिखा, जो व्यक्ति को पीड़ा होती थी उसको महल से बाहर भिजवा देते थे और सुख
यौवन चंचलता आनंद उत्साह मेले का लगाना महल में ही जो भी आनंद प्राप्त करना महल में भी मित्र भी खुश खुश हो धनी हो उनको भी कुछ देकर खुश रखना ऐसे मिलना कहीं कोई पीड़ा होती है ऐसा एहसास उन्होंने कराया नहीं जब जाकर इसी प्रकार से आनंद में अपने बेटे की छोटी शादी भी कर दी पत्नी भी बहुत ही सुंदर ला कर दी थी और कुछ समय के पश्चात जब उनकी मिसवाई सर के ऊपर होगी शायद तब पिताजी कई बार गए तो पहली बार जब गौतम बुद्ध महल से बाहर निकले तब सब जानते उन्होंने पहली बार दुख को देखा यानी कि ये जब अपने जो रथ में सवार थे तो नीचे देखा एक वृद्ध व्यक्ति चलते हुए जा रहा था और उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था जिंदगी में क्योंकि राजा ने ऐसी व्यवस्था ही की थी कि दुख पीड़ा का एहसास था तो पूछा कि ये कौन है एक ऐसा क्यों हो गया है तब साथी ने बताया कि युवराज ये तो जिंदगी की वास्तविक में वृद्धावस्था है हमारा आरंभ ऐसे होता है जन्म बालक युवावस्था तो जिंदगी क्या है सनातन सत्य है चिर सत्य है तो उसको कोई टाल नहीं सकता सभी को आता है कि हाँ सभी को वृद्धावस्था आती है वृद्ध को देखा उसके मन में सोचा आगे जाकर एक भयंकर रक्तपित जैसे कहते ऐसे रोगी को देखा उसके शरीर से जो बदबू आ रही थी सारी शरीर से पीड़ा के कारण खुजली के कारण ऐसा शरीर हो रहा था वो जो करा रहा था तो उसको देख कर पूछा ये क्या है तो कहता है कि युवराज ये रोग है कि किसी भी हाँ किसी भी व्यक्ति को हो सकता है उसके लिए कोई मान्य बाध्य नहीं कि राजा नहीं वो रोग तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है उसके लिए सभी समान है किसी भी व्यक्ति को किसी भी बड़ा रोग हो सकता है असाध्य रोग हो सकता है जो कभी कभी पैसे रहते हुए भी व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता ऐसी बात करते हैं तो उनको मन में होता है कि सच में तो हमारी इतनी सुंदर सी काया है शायद ऐसा हुआ है ऐसा कर सकता है क्या हो सकता है युवराज कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ तब पहले वृद्धावस्था देख मन में सोचने लग गए क्योंकि व्यक्ति को पूरे शरीर पर झुरिया हो गई थी चलना भी मुश्किल हो गया था और ये जीवन का सनातन सत्य बताया ये भी बात बताई कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई निश्चितता नहीं तो ये देखा और जब आगे जाकर देखा तो एक ननानी ले जा रहे थे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उसको अग्नि संस्कार के लिए उसके पीछे उसको चार व्यक्ति पकड़ कर चल रहे थे उसके पीछे कुछ लोग चल रहे थे जय बोल रहे थे राम बोलो राम तो पूछा कि ये क्या है उन्होंने कहा कि युवराज ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ गुना जो सर्वसनातन सत्य मृत्यु कि सबको आती है किसी को भी पकड़ाते हैं और इतना ही नहीं किसी भी वक्त भी आ सकती है उसके लिए कोई उम्र का मायना अंदाजा नहीं है कि ये व्यक्ति इतने वक्त से मरेगा ये व्यक्ति इतनी उम्र में मरेगा ये जीवन का बहुत ही सनातन सत्य और अपना स्थान है मृत्यु है तो तीसरी घटना को देखकर पहले दो घटनाओं से भी जो व्यथित थे गौतम बुद्ध तीसरी घटना को देखकर पूर्ण व्यथित हो गए कि इतनी शानो शौकत इतनी सुख सुविधाएं क्या इसी प्रकार के लिए है उसका कोई मायने नहीं रखता है मनुष्य तो इतने मैंने तो कभी कैसा होता है इसमें होता पता ही नहीं है तब से गौतम बुद्ध जब उदास उदास सोचने में लगे रहते हैं तब राजा को जानने में मिलता है कि कौन बाहर ले गया था पिताजी उनसे बात पिताजी कहते बेटा छोड़ो ये सब तुम्हारे साथ तो नहीं होगा क्योंकि तुम्हें तो क्या कमी है तुम तो सम्राट चक्रवर्ती बनोगे तो भी मन में यही बात घूटने लगती है कि जो कहा था सारथी ने वो तो सनातन सत्य है कि शायद इतनी शान शौकत इतने शरीर की मौजूद इतने गहने इतने बारे कहाँ तक है कभी भी व्यक्ति ऐसा साध्य रूप हो सकता है कभी भी बुढ़ापा आ जाएगा समय के चलते और कभी भी मृत्यु हो सकती है इस शान शौकत सुख संपन्न का कोई जरूरत नहीं है और जो हम जानते हैं कि बहुत ही छोटे से बच्चे राहुल और पत्नी यशोदा को छोड़कर आधी रात्रि के समय क्योंकि दिन में जाते थे पिताजी जाने देते उनको छोड़कर जो जंगल में तब खड़े निकल जाते हैं पिताजी ने बहुत समझाया पर वापस नहीं आए यानी कि ये सुखपुर अगर पिताजी ने पहले से ये सब व्यवस्थाएं जिंदगी की वास्तविकता बेटे को बताई होती तो बेटे के मन में ये भाव देखकर ये चीजें देखकर
इतना बड़ा सदमा गहरा ना लगता और बेटा इतना बड़ा निर्णय लेकर संन्यास ग्रहण ना करता। यानी ये स्थिति यहाँ पर पंत जी बताना कहते हैं कि सुख दुख लगातार जीवन में होना ही चाहिए। तभी तो इसका प्रभाव मैंने बताया, उसका लंबा प्रश्न आपको मैं बता दूंगा, उसमें आ जाएगा जो प्रस्तावना में लिखना कि सुमित्रानंद प्रबुद्ध छायावादी कवि है। छायावादी क्या ही नहीं, उन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पर भी अपनी लेखनी चलाई है, यानी कि समग्र आधुनिक युग के कवि में उनका नाम मुखर है और ऐसे सुमित्रानंद पत्रकार प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो नीचे लिखा है कि प्रस्तुत कविता सुख और दुख में कवि सुमित्रानंद पत्र ने जीवन की वास्तविकता को बताया है कि सुख और दुख मनुष्य के जीवन में लगातार रहना नहीं चाहिए। सुख और दुख लगातार रहता है तो व्यक्ति की स्थिति बहुत ही पीड़ादायक, उत्पीड़न वाली, दुखदायक हो जाती है। कि जिस प्रकार जो उन्होंने जो कहा है कि जिस प्रकार से जो क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता सुख दुख दोनों की आंख बिचोली, जिस प्रकार से खेल में आंख बंद करके खोलते हैं, ठीक वैसे ही जिंदगी में कभी सुख और कभी दुख का आगमन होता रहना चाहिए। सुख दुख का मधुर मिलन होना चाहिए। कैसा मधुर मिलन? कि लगातार सुख हो तो व्यक्ति उठ जाता है, लगातार व्यक्ति हो तो व्यक्ति हतोत्साह हो जाता है। पर जिस प्रकार का सुख और दुख किस प्रकार का होना चाहिए कि बादलों के मौसम में जब बारिश के मौसम में बादलों का आधिपत्य आकाश में रहता है और चंद्र को अपने पीछे छुपा देते हैं, तब चंद्र अपने अस्तित्व को सिमट के रह जाता है। और वही कुछ समय के बाद जब मौसम बदलता है, दूसरे मौसम में बादल दूर हट जाते हैं और चंद्र का अपना अस्तित्व रहता है सारे आकाश में अपनी रोशनी का रहता है, ठीक वैसे ही जो कहते हैं कि जीवन में सुख दुख भी ऐसा ही होना चाहिए। लगातार सुख पीड़ा जाए, लगातार दुख पीड़ा जाए। फिर जो कहते हैं कि जिस प्रकार हम लगातार दिन में ही रहे तो थक जाते हैं, लगातार सोते रहे तो उठ जाते हैं, ठीक वैसे ही रात्रि और दिवस होते हैं, ठीक वैसे ही उसी प्रकार रात्रि और दिवस के बाद ही हमारे जीवन में भी सुख दुख का लगातार चलना चाहिए। आगे कहते हैं कि उषा और संध्या, जिस प्रकार शाम के समय शाम होती है, संध्या होती है और रात के बाद फिर उषा होती है, तो दोनों के जिस प्रकार से विरह में रहते हैं, रात्रि बीच में आती है, उसी प्रकार का विरह उसी प्रकार की पीड़ा, उसी प्रकार का दुख लगातार जीवन में रहना चाहिए। अंत में कहते हैं कि वही आलिंगन जीवन में लगातार हास्य लगातार पीड़ा ना हो, दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो ही मनुष्य सफलता में शिखर सर करता है। मनुष्य तुम्हारे लिए सुख दुख जरूरी है। जो उपसंहार में लिखना कि प्रस्तुत जो उपर्युक्त विवेचन में पता चला और जिनने से जाना कि सुमित्रानंद पंत ने सुख दुख कविता में मनुष्य जीवन में सुख और दुख कैसे जरूरी है रात्रि और दिन के बाद इसी प्रकार से समझाया। पंत जी जो प्रकृतिवादी कवि थे तो जीवन में इसी प्रकार की आशाओं को लेकर चलते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान युग में हम जानते हैं कि मनुष्य जो दुख कभी देखा नहीं और अचानक से आ जाता है तो इस प्रकार जिंदगी की जंग छोड़ देता है। तो ये सब ना हो, क्योंकि पंत जी एक प्रकार के दीर्घ दृष्टि वाले कवि थे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतने सालों पहले भी इस कविता का सृजन किया कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख जरूरी है। यहाँ तक के प्रश्न आपका पूर्ण हुआ, ये भी हो गया। तो मित्रों को ये भी बता दो, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत से लोग आत्महत्या सुसाइड करते हैं वो लोग कभी इतने गहरे सदमे में नहीं आते हैं, तब जाकर इस प्रकार का अंतिम पगला अंतिम कार्य कर देते हैं जिसके जीवन का नाश होता है। उनके लिए दुख मिट जाता है पर जिंदगी की जंग में वो हार जाते हैं। इसी के पंत जी ने ये कविता के जरिए आज के वर्तमान युग में इसकी पूर्णतः प्रासंगिकता है। मनुष्य को इसी को याद रखकर जीना चाहिए, समझना चाहिए, तो भी उसकी जिंदगी सफल हो सकती है। तो मित्रों आपको यहाँ पर ऐसी कविता भी पूर्ण हो गई, उसका लंबा प्रश्न भी क्लियर हो गया है। अब आगे की वीडियो में आगे की कविता होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।